इमोशनली आप कितने स्ट्रॉन्ग है चेक कब होगा? जब आपका किसी ने अपमान किया, जब आप प्रतिष्ठित हो और पोजीशन पे हो, आप अथॉरिटी हो, फिर भी आपकी मनमानी के विरुद्ध कोई अगर ओपिनियन दे और वो भी मीटिंग में दे और मीटिंग में सब मेंबर्स उनको सपोर्ट करें, उस वक्त आपकी अंदर की हालत कैसी बनती है वो आपके एटीट्यूड पे निर्भर होगा, तो ही महान बन पाओगे। स्टीफन कोवी ने यही बात लिखी है, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल पुस्तक लिखा जो सबसे प्रसिद्ध मैनेजमेंट बुक है। उसके बाद उन्होंने एक और अच्छी बुक लिखी है, द 8th हैबिट, उसका सब टाइटल है फ्रॉम इफेक्टिवनेस टू ग्रेटनेस, असरकारकता से महानता तरफ। उसमें यही बात लिखी है। स्टीफन कवी आए थे भारत, 5 दिन रुके ये बुक की प्रमोशन के लिए, 4 सेमिनार किए, एक सेमिनार 700 से 1000 लोगों ने अटेंड किया, एक डेलीगेट फी 23,000 रुपये की थी। मुंबई में ओपनिंग हुआ, ओबेरॉय में फंक्शन था, 700 सीट्स थी, 24 घंटे पहले ई टिकट ओपन हुई और 86 सेकंड्स में, 1 मिनट एंड 26 सेकंड्स में 700 डेलीगेट्स ने पैसे भर दिए पूरे भारत में से, क्योंकि नाम तो बड़ा था स्टीफन कोवी। 6 घंटे के सेमिनार में 5.5 घंटा सेमिनार मैनेजर्स और वीडियो ने चलाया, आधे घंटे के लिए ही सिर्फ स्टीफन कोवी मंच पे आए थे। आधे घंटे में 10-12 बार में एक वाक्य बार बार बोलते थे, वही वाक्य को, वही सेंटेंस को बॉक्स आइटम बना के दूसरे दिन DNA न्यूज़पेपर में पूरी आर्टिकल छपी थी। If you have not attended yesterday's Stephen Covey seminar, you can read this article. It is equally good in the thought process of attending the whole seminar. और अगर आपको पूरा आर्टिकल पढ़ने का समय ना हो तो ये बॉक्स आइटम आप पढ़ लेना। ये बॉक्स आइटम में जो बात लिखी है, that was the sentence that Stephen Covey talked again and again, perhaps more than 10 times in his half an hour of physical presence upon the stage. और वो क्या था? Don't expect others to change. First change yourself, others will follow. वो व्यक्ति मुझे अनुकूल हो वो बाद में सोचना, पहले कौन सी जगह पे मैं उनको अनुकूल हो सकूं वे पहले आप सोचे। This is spirituality in management. उपनिषद में ये बात है। All credits to Stephen Covey. ये विचार के हिसाब से, लेकिन ये विचार हमारे उपनिषद में है।